तो हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ये हमारी पार्ट 4 है और चैप्टर की आखिरी वीडियो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा इंटरनेट पत्रकारिता, मतलब इंटरनेट पे पत्रकारिता किस तरह से होती है। तो एक ये तो एक हमारा जो आजकल माध्यम है वो इंटरनेट में किस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेट के फ़ायदे से शायद ही कोई इनकार करे, लेकिन इंटरनेट पत्रकारिता को ऐसा नहीं कहा जाता। इंटरनेट पर जो अखबारों का प्रकाशन होता है या खबरों को जो आदान प्रदान होता है वही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में किसी चीज़ को लिखते हैं और उससे दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस चीज़ को उसमें दर्ज करने को ही इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। आज कई तरह के प्रमुख अखबार पूरे पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों ने भी इंटरनेट को अपनी इंटरनेट पत्रकारिता को जोड़ लिया है और वो लोग अपनी कंपनी का जो बढ़ावा होता है वो भी इसी से देते हैं। तो कई प्रकाशन समूहों ने, कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ ही दिया है। ये एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है और नया है। इंटरनेट पत्रकारिता का इसार, आइए अब हम लोग एक नज़र डालते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता एक क्या स्वरूप और ये विकास कब शुरू हुआ। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर हमारा 1992 से, दूसरा दौर हमारा 1993 2001 और तीसरा दौर हमारा इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 में शुरू हुआ। लेकिन ये चरण भारत में कब शुरू हुआ? भारत की धरातल पर इसकी जो यूज़ है वो समझो करीब 2006 के पास में ज़्यादा शुरू हुई थी। AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियाँ सामने आई, उन्होंने इसका यूज़ शुरू किया। भारत ही उन्होंने देखी सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत इस 1983 से 2002 के बीच में हुई थी। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ और इंटरनेट पत्रकारिता का विकास होना तय ही है। हम लोग समझते हैं इंटरनेट, लेकिन वो इंटरनेट पत्रकारिता का ही एक रूप होता है। अब इन्होंने बताया नई वेब भाषा अब निकलने लगी हैं, HTML, एक्सप्लोरर, नेटस्केप, अलग अलग तरह टाइप की जो वेब भाषाएँ हैं वो निकलने लगी हैं। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न बना दिया है और तेज़ रफ्तार प्रदान करी है। लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशन प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, जिसे देखो वही इंटरनेट और .com की बात करने लगे। लोग रातों रात अमीर बनने के सपने ख्वाब देखने लगे। इसलिए जितनी तेज़ी के साथ यह उफान आया उतनी तेज़ी के साथ इसका बुलबुला फूटा। सन 1996 मतलब 1996 से 2002 के बीच में अकेला अमेरिका ही ऐसा था जिसे 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गईं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। ये एक ऐसा दौर था जिसमें खुद किसी को अपने आप को जमाए रखना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि और चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरुआत तीसरा दौर अच्छे अर्थों में टिकाटक हो सकता है और रह भी रहा है। अब हम लोग सब लोग इस जब से लॉकडाउन हुआ हम लोगों ने कोरोना में भी इसका बहुत यूज़ किया है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर जो 1993 से शुरू माना गया था और दूसरा सन 2003 से माना गया। पहले दौर में हमारे यहाँ भी कई कंपनियाँ प्रयोग हुई, .com का भी तूफान आया, बुलबुला उसका भी फिर वैसे ही फूट गया। अंत में टिके रहने के लिए मीडिया उद्योग में पहले ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, मतलब कई अच्छे अच्छे जो न्यूज़ जो हमको बहुत जल्दी देती हैं वो सारी साइटें उपलब्ध हैं और लगातार बेहतर भी हो रही हैं। ये सब न्यूज़ प्रमुख भी हैं, लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है Rediff.com या फिर इंडिया फ्लॉइन व सीफी जैसे कुछ ही साइटें। Rediff को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय Tehlka.com को जाता है। विशुद्ध यानी जो थोड़ी सी अलग तरह से हिंदी नेट सेंटर में क्या, हिंदी की बात करें, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ या पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्वजाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, कई तरह की वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभासाक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना जाने
कई चीज़ें शुरू हुई हैं। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आती थी। हिंदी वेब जगत को एक अच्छा पहलू यह भी है, इसमें साहित्यिक पत्रिकाएँ चल रही हैं। और अब हमारा हिंदी नेट संसार के बारे में भी हमारा टॉप चैप्टर इस व्यू से यहाँ से ख़त्म हो गया है। और अगर आपको कई चैप्टर चाहिए, वैसे आगे फीचर लेखन और कई चैप्टर है, वो सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।